कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था एनसीआर का, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था व्हाट इज एनसीआर, एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन है एनसीआरटी का, वो करवा रही हूँ। 2NC3 रेशियो NC3 इज इक्वल टू 12:1, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको n की इसमें जो है वो आपको n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2NC3 इसको इस फॉर्मूले से खोलेंगे तो 2n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये ओपन हो गया इस फॉर्मूले को यूज करके, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है। उसके बाद रेशो NC3 NCR की तरह इसको खोलते हैं और n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12:1। अब इस रेशो का मतलब क्या होता है, डिवीजन, ठीक है। डिवीजन का मतलब इसको मैं उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दूं, टेकिंग द रेसिप्रोकल, तो मैं रेसिप्रोकल ले रही हूं इसका 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 12:1। अब ये देखिए 3 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल हो गया है आपका। नाउ हम क्या करेंगे, ये 2n है, ये 2n माइनस 3 है, तो अगर मैं इसको खोलना स्टार्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2n, उसके बाद एक एक माइनस करते चलो, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, अब नीचे हमारे पास 2n माइनस 3 है ना, तो अब यहीं रुक जाते हैं, ठीक है। जब हमारा सेम आ जाता है बस वहीं पर रुक जाओ। उसके बाद इनटू में n और n माइनस 3 में से बड़ा कौन सा है, n, इसको लेके चलेंगे, इसको खोलना शुरू करेंगे, तो ऊपर है मेरा n माइनस 3 फैक्टोरियल, n लिखेंगे, n, फिर एक माइनस करेंगे n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, यहीं रुक जाएंगे क्योंकि n माइनस 3 आ गया, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और आपके पास यहाँ आ रहा है 12:1, ठीक है। अब ये देखो, इसमें से आपका 2 कॉमन आ रहा है और इसमें से आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से कॉमन ले रही हूं मैं, आई एम गेटिंग 2 × 2, बाकी क्या बचा, n, उसके बाद 2n माइनस 1, उसके बाद n माइनस 1, ठीक है, क्योंकि 2 कॉमन आ चुका है, और इसको नीचे ले आते हैं, ये n, फिर n माइनस 1 और ये n माइनस 2, 12:1 के इक्वल हो गया। n से n कैंसिल, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, ये है 2 × 4, इस 4 से इस 12 को कैंसिल कर रही हूँ तो मेरे पास 3 आ गया, ये मेरे पास बचा 2n माइनस 1, n माइनस 2 और 3:1। अब आपको पता ही है क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ n, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3n माइनस 6, ये हो जाएगा 3n माइनस 2n माइनस 1 प्लस 6, तो n इज इक्वल टू 5, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा हमने ये क्वेश्चन कैसे किया कंप्लीट, जैसे हमने परमुटेशन में भी किया था इसको, जस्ट स्टार्टिंग में एक बार फॉर्मूला डिफरेंट लगता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन का, ठीक है। नाउ इसके बाद वी आर डूइंग एक और क्वेश्चन है, एक और अच्छा क्वेश्चन है, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है वो लास्ट में जाके, तो वो करवा रही हूं आप लोगों को। दैट इज n प्लस 2C8 एंड रेशियो n माइनस 2 P4, यहाँ पे P है, P4 इज इक्वल टू 57:16, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा और ये परमुटेशन का, तो इसको मैं ओपन कर रही हूँ, n प्लस 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल n प्लस 2 माइनस 8 फैक्टोरियल, ये कॉम्बिनेशन का लग गया, रेशियो n माइनस 2 फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 माइनस 4, n माइनस r होता है ना, इसमें से ये माइनस करना होता है, इज 57:16। अब इसको क्या करेंगे, देखो n प्लस 2 फैक्टोरियल आ गया, नीचे आपका है 8 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया n माइनस 6 फैक्टोरियल, माइनस का 8 है प्लस का 2 है,
इसको मैं रिवर्स कर रही हूँ मल्टीप्लाई में, तो n माइनस 6 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल 57/16। ये देखिए n माइनस 6 तो हो गया कैंसिल। अब n प्लस 2 और n माइनस 2 में से बड़ा कौन सा है ये चेक करते हैं। n प्लस 2 ही बड़ा है तो इसको खोलना शुरू करेंगे, ठीक है। तो n प्लस 2 लिखा, फिर एक कम कर दो इसमें से, माइनस 1 करो तो n प्लस 1 बचेगा, फिर एक और कम कर दो तो n बचेगा, फिर एक और कम कर दो तो n माइनस 1, एक और कम करेंगे n माइनस 2, यहीं तक जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इसके बाद ये जो 8 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में था मैं इसको इधर लेके जा रही हूँ, तो आई एम गेटिंग 57/16 इनटू 8 फैक्टोरियल। अब देखो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो पावर आ जाएगी 4, ठीक है। उसको हम उस फॉर्म में इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही हूँ, 57/16 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8, 2 जा 16, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 57 को हम लिख सकते हैं 19, 3 जा 57, 7, 6, 5, 4, 3, ये है मेरे पास। मेरे पास ब्रैकेट कितनी है, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे नंबर ज्यादा है। यहाँ पे इन नंबर्स को भी ना इस तरीके से अरेंज करना है कि मेरे को 4 नंबर मिले, और वो भी कैसे मिले, इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और ये मेरे को कैसे मिल रहा है, 21, 7, 3 जा 21 हो जाएगा, फिर 5, 4 जा 20 हो जाएगा, 6, 3 जा 18 हो जाएगा, और ये 19 है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू में 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18, और ये किसके बराबर है, इस पोर्शन के, n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n इंटू n माइनस 1, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसका फर्स्ट पोर्शन इस 21 के बराबर है, ऐसे ही n प्लस 1 किसके बराबर है, 20 के, ऐसे ही n किसके बराबर है, 19 के। चेक करो यहां से भी n की वैल्यू कितनी आ रही है, 19, यहां से भी n की वैल्यू 19, यहां से भी 19, और लास्ट वाले से भी आपकी n की वैल्यू कितनी आ रही है, 19, तो n की वैल्यू 19 आएगी। यहां से ना लास्ट से थोड़ा सा डिफरेंट आ गया था आपका, कि अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये आपका डिग्री 4 में चला जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या करना था, जिस तरह से ये लगे हुए ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वैसे ही इसको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये मुझे मिल गया 21, 20, 19, 18, इस तरह से पेयरिंग करनी है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाए वो, ठीक है। और फिर उनको कंपेयर कर देना है, जस्ट इतना सा काम करना है इससे, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं कॉम्बिनेशन के सम्स पे, इजी से सम्स है एकदम और इंटरेस्टिंग भी है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन चूज 5 कोर्सेज होते हैं ना, मतलब सब्जेक्ट्स होते हैं, उसको 5 सब्जेक्ट चूज करने हैं आउट ऑफ 9 सब्जेक्ट्स। टोटल स्कूल वाले 9 सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, उसमें से 5 सब्जेक्ट लेने हैं आपको, ठीक है। पेपर 5 के होंगे, आउट ऑफ विच 2 आर कंपल्सरी, 2 सब्जेक्ट्स उसमें कंपल्सरी भी है, जैसे लैंग्वेज होती है इंग्लिश हिंदी, वो कंपल्सरी हो जाती है ना, तो 2 सब्जेक्ट हमारे कंपल्सरी भी है, ठीक है। तो वो बच्चा कितने तरीके से उसको चूज कर सकता है। अब ये देखो, इसमें हमें कोर्सेज का ग्रुप बनाना या कोर्सेज को अरेंज करना है, सबसे पहले ये बात इम्पोर्टेंट है। अगर मुझे 5 कोर्स चूज करने हैं तो क्या ये मैटर करेगा, पहले मैं इंग्लिश रख रही हूँ, फिर हिंदी, फिर मैथ, फिर साइंस, ऐसा तो कुछ मैटर नहीं करेगा ना कि पहले नंबर पे मैंने कौन सा चूज किया है। मुझे तो सिर्फ सब्जेक्ट्स का ग्रुप बताना है, ठीक है, कि मैंने ये सब्जेक्ट चूज किए हैं। तो इसका मतलब परमुटेशन तो लगेगा नहीं, ठीक है। वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन में देखो, 9 सब्जेक्ट में से 2 तो कंपल्सरी हैं,
उनको तो हटा दो, इंग्लिश और हिंदी तो कंपलसरी है, बाकी कितने सब्जेक्ट बचे? सेवन, टोटल सेवन सब्जेक्ट बचे, और जो उसे चूज करने थे पांच, उनमें से भी तो दो उसके हो चुके हैं, इंग्लिश और हिंदी तो चूज कर ही चुका है ना वो, तो चूज करने के लिए कितने बचे? तीन, नाइन में से टू गए सेवन, फाइव में से टू गए थ्री, तो टोटल सब्जेक्ट्स ये तो आपके टोटल हो गए, और ये हो गए जो आपको चूज करने हैं, ठीक है, टू बी चोजन। तो क्या करना है, सेवन सी थ्री, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये समझ में आया कि जो टू है वो इसमें से भी माइनस कर दिया टोटल में से भी, और जो हमें सब्जेक्ट चूज करने हैं उसमें से भी, तो सेवन सी थ्री आपका आंसर रहे, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन है ये। इसी के ऊपर बेस्ड है एक और क्वेश्चन, ये कराती हूं आपको। देयर आर सिक्स बॉयज एंड थ्री गर्ल्स, हमारे पास सिक्स बॉयज हैं, थ्री गर्ल्स हैं, अ कॉमिटी, एक हमें कॉमिटी बनानी है ऑफ फाइव मेंबर्स, पांच मेंबर्स की कॉमिटी बनानी है, ठीक है, इज टू बी मेड। तो कितने तरीके से हो सकती है, सच दैट इट कंटेन्स थ्री बॉयज एंड टू गर्ल्स, अगर थ्री बॉयज हो टू गर्ल्स हो तो कितने तरीके से बन सकती है, और हमारे पास एटलीस्ट वन गर्ल हो, एटलीस्ट वन गर्ल हमें हमेशा चाहिए तो कितने तरीके से बनेगी, ठीक है, एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल, तो कितने तरीके से हम उस कॉमिटी को बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ध्यान से समझिए, छह बॉयज और तीन गर्ल्स हैं हमारे पास, उनमें से हमें पांच मेंबर्स की एक कॉमिटी बनानी है, पांच में से गर्ल्स और बॉयज दोनों होंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, तीन बॉयज और दो गर्ल्स की कमिटी बनानी हो, उस कमिटी में तीन बॉय और दो गर्ल हो तो कितने तरीके हैं। अब देखो, थ्री बॉयज, बॉयज तीन चूज करने हैं, कितने में से, छह में से, तो सिक्स सी थ्री, देखो परमुटेशन नहीं लगाना क्योंकि उनका अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, सिर्फ हमें चूज करने हैं। उसके बाद गर्ल्स, गर्ल्स को चूज करना है हमें तीन में से दो, तो थ्री सी थ्री, थ्री सी टू, तीन गर्ल्स में से दो गर्ल्स चूज हो गई। अब इनको प्लस किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए, ये सोचने के लिए सबसे स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वहां पे आ जाइए, क्या ये दोनों काम करने जरूरी है या एक में काम चल जाएगा? आई थिंक दोनों काम करने जरूरी है ना, क्योंकि बॉयज भी चूज करने जरूरी है और गर्ल्स भी चूज करनी जरूरी है, खाली तीन बंदों की कमेटी नहीं बनेगी, खाली बॉयज की या खाली गर्ल्स की, ठीक है, दोनों काम करने जरूरी है, तो वी विल मल्टीप्लाई, समझ में आ गया, एंड यू विल गेट द आंसर। तो सिक्स सी थ्री आपको कैलकुलेट करना आता है, सिक्स फैक्टोरियल बाय थ्री फैक्टोरियल, सिक्स माइनस थ्री थ्री फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई थ्री फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल, थ्री माइनस टू वन फैक्टोरियल, देखिए ये कैंसिल हो गया, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री, नीचे थ्री फैक्टोरियल है नीचे टू है, कैंसिल, टू फाइव टू जे टेन, टेन सिक्स जा सिक्सटी, तो फर्स्ट का आंसर हमारा आ चुका है सिक्सटी वेज, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पोर्शन, एटलीस्ट वन गर्ल, अब इसको ध्यान से देखो, एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, या तो वन गर्ल हो चार बॉयज हो, टोटल पांच बंदे करने हैं, ठीक है, टू गर्ल्स हो तीन बॉयज हो, ठीक है पांच हो गए, थ्री गर्ल्स हो और टू बॉयज हो तो भी पांच हो गए, फोर गर्ल्स हो और वन बॉय हो तो भी पांच हो गए, बट गर्ल्स तो हमारे पास तीन ही थी तो चार कैसे ले लेंगे, चार गर्ल्स वाला केस तो हो ही नहीं सकता ना, तो इसको क्रॉस कर दो, तो हमारे पास ये तीन केसेस बचे एटलीस्ट वन गर्ल वाले। एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, तो या तो एक गर्ल चार बॉय ले लो, या दो गर्ल तीन बॉय ले लो, या तीन गर्ल दो बॉय ले लो, या चार गर्ल्स और एक बॉय ले लो, पर चार गर्ल तो है ही नहीं ना, चूज किस में से करेंगे, इसलिए ये तीन केसेस बनेंगे, ठीक है। अब वन गर्ल और फोर बॉय, जैसे हमने ऊपर निकाला था, वन गर्ल का मतलब थ्री सी वन, फोर बॉयज का मतलब बॉयज कितने आपके पास सिक्स, तो सिक्स सी फोर,
मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द आंसर. ऐसे टू गर्ल्स 3C2 और 3 बॉयज 6C3 यू विल गेट द आंसर. 3 गर्ल्स 3C3 एंड 2 बॉयज 6C2 सबका आंसर आ जाएगा आपके पास. फिर क्या करेंगे, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया. अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस करेंगे. अब देखो, या तो ये या ये या ये, मैं या बोल रही हूँ, तीनों इकट्ठे नहीं होएंगे काम. या तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा या फिर ये बनेगा या फिर ये बनेगा. तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, प्लस. जो भी आंसर आएगा इन तीनों का हम उसको प्लस करेंगे. ठीक है, इज दैट ओके. यहाँ किया मल्टीप्लाई क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन होने जरूरी है, गर्ल्स एंड बॉयज. उसके बाद इन तीनों को किया प्लस. क्यों? क्योंकि या तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा या फिर ये बनेगा या फिर ये बनेगा. ओके, नाउ लास्ट वन, एट लीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल. मतलब एक बॉय भी होना जरूरी है और एक गर्ल भी होनी जरूरी है. ठीक है, तो हम ना वन गर्ल से, वन बॉय से लेके चलते हैं. वन बॉय, 5 बंदे पूरे करने हैं, 4 गर्ल्स. ठीक है, 2 बॉयज और कितना हो जाएगा, 3 गर्ल्स. 3 बॉयज 2 गर्ल्स, 4 बॉयज 1 गर्ल. अब जीरो पे मत जाना क्योंकि एक गर्ल होनी कंपलसरी है. 5 बॉय एंड 0 गर्ल नहीं चलेगा. ऐसे यहाँ पे 0 बॉय 5 गर्ल नहीं चलेगा. इतना समझ आया? अब देखो, गर्ल्स है हमारे पास 3, तो 4 गर्ल्स वाला केस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि गर्ल्स 3 है हमारे पास. ये केसेस हो जाएंगे. ठीक है ना, 4 बॉय 1 गर्ल, 3 बॉय 2 गर्ल, 2 बॉय 3 गर्ल. तो इन केसेस को हम निकालेंगे जैसे अभी निकाले थे एंड फिर क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे. बिल्कुल सेम आ रहा है ये. ठीक है, समझ में आ गया. उसके बाद एक और क्वेश्चन इसी में कराती हूं आपको, फोर्थ पार्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें दिया हुआ है एट मोस्ट 2 गर्ल्स, तो कौन से केस होंगे. एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 लड़कियां होनी चाहिए. ठीक है, 2 से ज्यादा लड़कियां नहीं होनी चाहिए. एट मोस्ट 2 गर्ल्स मतलब 2 गर्ल्स हो जाए 3 बॉयज, बंदे तो 5 पूरे करने पड़ेंगे ना. 2 गर्ल्स 3 बॉयज, या 1 गर्ल 4 बॉयज, 5 पूरे हो गए, या 0 गर्ल 5 बॉयज, ये भी चलेगा क्योंकि इसने कहा एट मोस्ट 2 गर्ल्स. गर्ल्स ज्यादा से ज्यादा 2 होनी चाहिए, 2, 1 या 0. समझ में आ गया? तो आपके ये 3 केसेस रहेंगे. तो देखो, 2 गर्ल्स होने का केस क्या होएगा, 3 में से 2, तो कितना हो गया 3C2 मल्टीप्लाई 3 बॉयज 6C3. सिमिलरली 1 गर्ल तो 3C1 मल्टीप्लाई 4 बॉयज 6C4. 0 गर्ल का मतलब 3C0. 0 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 होता है, वो ध्यान रखना. ठीक है, द 0 फैक्टोरियल इज 1. नाउ 5 बॉयज 6C5, ये निकाल लेंगे. इसके बाद क्या करेंगे, तीनों आंसर आ गए, क्या करेंगे, उनको प्लस करेंगे. जो भी आएगा उसको प्लस करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर. प्लस क्यों करेंगे, मैंने आपको बताया था, क्योंकि या तो ये केस होएगा या ये, तीनों इकट्ठे नहीं हो सकते. कॉमिटी तो एक ही बनेगी ना, या तो इस कॉम्बिनेशन की बनेगी या इस कॉम्बिनेशन की या इस कॉम्बिनेशन की. इसीलिए जो आंसर्स आएंगे वो हमें प्लस करने पड़ेंगे. और अगर ये नहीं समझ आ रहा प्लस एंड मल्टीप्लाई वाला, तो एक बार स्टार्टिंग वाली फर्स्ट वीडियो देखना जहां पे मैंने बताया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है. ठीक है, समझ में आ गया. कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह से आते हैं. मैंने एक क्वेश्चन में आपको 4 पार्ट्स करा दिए. ठीक है, तो इसके बाद अब हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, बहुत ही डेली लाइफ का आपका क्वेश्चन है वो. फॉर एग्जाम्पल, हमें ना ट्रिप पे जाना है क्लास को लेके, एंड मान लो आपकी क्लास में यू हैव 30 स्टूडेंट्स इन योर क्लास. ठीक है, और हमें ट्रिप पे लेके जाना है. ट्रिप पे मतलब जहां हमें जाना है ना, वहां पे टिकट्स मिली है 15. 15 स्टूडेंट्स हैव टू बी टेकन, और ये कंपलसरी है, 15 से कम भी नहीं जा सकते हैं. 15 बच्चों को लेके जाना है टू ऑन एन एक्सकर्शन.
ठीक है, स्कूल के बाहर किसी ट्रिप पे किसी विजिट के लिए लेके जा रहा है, 15 बच्चों का जाना कंपलसरी है, ठीक है। तुम्हारी क्लास में ना 3 बच्चे ऐसे हैं, 3 स्टूडेंट्स हैव अ ग्रुप, मतलब वो क्या कहते हैं, दे विल गो टुगेदर और नीदर ऑफ देम विल गो और दे विल नॉट गो, मतलब वो क्या कह रहे हैं, हम जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे या तो हम तीनों में से कोई नहीं जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? तो 30 बच्चे हैं, 15 बच्चों को ट्रिप पे लेके जाना है, उनमें तुम्हारी क्लास में उन 30 बच्चों में से 3 बच्चे ऐसे हैं वो क्या कह रहे हैं, जाएंगे तो हम इकट्ठे जाएंगे और नहीं तो हमारे में से कोई नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम कितने तरीके से उन बच्चों को, 15 बच्चों को चूज कर सकते हैं, 15 बच्चों का एक ग्रुप बना सकते हैं, वो हमें निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, वो बच्चे जो है ना 3 बच्चे, उन बच्चों को चूज करने के हिसाब से हमारे पास 2 केसेस होंगे, या तो वो 3 बच्चे जो पर्टिकुलर बच्चे हैं वो जाएंगे, एक कमिटी ऐसी बनेगी, या तो वो 3 बच्चे उसमें होंगे, या फिर वो 3 स्टूडेंट्स विल नॉट गो। 2 ही केस हो सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट केस एंड दिस इज द सेकेंड केस, कि 3 बच्चे या तो जाएंगे या 3 बच्चे नहीं जाएंगे, वो 3 बच्चे, ठीक है। अब मान लो वो 3 बच्चे जा रहे हैं, अगर वो 3 बच्चे जा रहे हैं तो 30 में से ये बताइए कितने बच्चे बचे, उन 3 बच्चों को तो अलग खड़ा कर दो ना, कि तुम तो जा ही रहे हो, हटो, बाकी कितने बचे, 27 बच्चे, और उसमें से आपको बच्चे चूज कितने करने हैं, आप 15 बच्चे चूज नहीं करने क्योंकि 3 बच्चे तो चूज हो चुके हैं, वो तो जा रहे हैं, तो बच्चे कितने चूज करने हैं, 15 - 3 दैट इज 12। समझ में आया ये कैसे हुआ, 30 बच्चों में से 3 बच्चे तो साइड में खड़े कर दिए ना, तुम तो जा ही रहे हो, बस में बैठ जाओ, तो बच्चे कितने बचे, 27, और चूज कितने करने हैं अब, 12, 15 नहीं चूज करने, 12 चूज करने, 3 तो बस में बैठ ही चुके हैं ना, 3 सीट तो फुल हो ही चुकी है, तो 27C12 दिस इज योर आंसर, ठीक है। उसके बाद है 3 स्टूडेंट्स विल नॉट गो, या तो वो तीनों नहीं जाएंगे, अब भी उनको बस से उतार के खड़ा कर दो, फिर ना साइड में खड़ा कर दो, एक साइड में तुम तो जा ही नहीं रहे हो, साइड में खड़े हो जाओ, ठीक है। अब बच्चे कितने बचे, 27, जिसमें से आपको चूज करने हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि उन 3 बच्चों को तो हमने साइड में खड़ा कर दिया, अब चूज कितने करने हैं, 15 की 15 सीटें खाली पड़ी है बस की, तो बच्चे कितने चूज करने हैं, 15, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये 2 केसेस हैं, 2 तरीके से हम उस कमिटी को बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, या तो ये होएगा या तो ये होएगा, फिर इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, क्योंकि या तो आपकी ये वाली कमेटी बनेगी या आपकी ये वाली कमेटी बनेगी, ऐसे ही होएगा ना, या तो ये वाला ग्रुप बनेगा या ये वाला, जब या आ जाता है ना तो होता है आपका एडिशन, मल्टीप्लीकेशन नहीं होता। तो दिस इज द क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये आपकी एक्सरसाइज में एलिमेंट्स की, तो आप इसको करके देखना, ठीक है। तो मैंने आज आपको कॉम्बिनेशंस के कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, और इसको आप अच्छे से रिवाइज करके देखना, इसी टाइप के क्वेश्चंस और करके देखना, बाकी क्वेश्चंस मैं आगे कराऊंगी।